तारिक रोड ताजिर अलायंस के सरबरा इलियास मेमन का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अफरा तफरी अवामुन्नास के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। इस हवाले से हुकूमत सिंध को ताजिर बरादरी के मुतालबात को मंजूर करना चाहिए, ताजिर बरादरी के मुतालबात पर गौर करना चाहिए। सातवां रोजा हो गया, आठवीं तरावी है, रमजान तो 30% तो 33% रमजान तो निकल गया, समझ में है ना। जुमे वाले दिन रहमत का शरा खत्म हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आठ के आठ दिन बाजार खुला रखे। हम टाइम मांग रहे हैं दोपहर में 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 6 बजे कोई बाजार नहीं खोलेगा। अगर पूरी रात भी खुल जाएगा तो गवर्नमेंट को इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। हमने तमाम पूरी ताजी बिरादरी को SOP को बोल दिया, SOP को अपना ख्याल रखें, SOP का ख्याल रखने, मास्क पहने, सैनिटाइजर रखें और फासले से बैठे। हमने तमाम बातें ये कही हैं, समझ में। ये हम तमाम मार्केट में पंपलेट भी बढ़वा दिए हैं, दुकान पे बता भी दिया है, ऐलान भी करवा दिया है और जाकर बता भी रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी हमने चला दिया है। इससे लोगों ने अपने शोर को समझा कर नहीं कि ये काम होना चाहिए। हमारे अलमुस्तफा मेडिकल सेंटर में PCR कोरोना से फ्री है, वहाँ भी हम चेक करते, इतना कोरोना नहीं है। लेकिन इनको टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, 2 छुट्टियां खत्म करनी पड़ेगी, 2 के 8 के दिन बाजार खुलवाना पड़ेगा। इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर टाइम की पाबंदी करेंगे, कम करेंगे तो इससे रश भी बढ़ जाएगा, इससे कोरोना फैल सकता है। अगर टाइम की पाबंदी खत्म कर देंगे तो कोई कोरोना नहीं बढ़ेगा। जबकि इस हवाले से इनका मजीद कहना था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से पेश किए गए मुतालबात को मंजूर करना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इससे ये तो अब दीन का मामला ही लोग अपने ऊपर आई है, इस पे तो बहस नहीं कर सकता। एक तो एक चीज है, ये मामला है, इस पे बहस नहीं कर सकता। ये चीज है, हुई हड़ताल होना चाहिए, अपने अपने ईमान के ऊपर वाली बात है, ये मैं इसको नहीं बोल सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ, लोगों ने करोड़ों रुपए का माल उधार लिया, वो लोगों ने चेक लिए में लोग कर्जदार हो जाएंगे। अगर इस पे ख्याल नहीं, लोग बहुत परेशान हुए हैं, गवर्नमेंट को छूट देना चाहिए, इनकी गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी। जबकि इस हवाले से ताजिर बरादरी का कहना है कि रमजान मुबारक में कोरोना वायरस की वजह से लाखों खानदान बेरोजगार हो रहे हैं, इनकी तरफ तवज्जो देने के लिए हुकूमत अपनी हिकमत अमली पर गौर करें।